Assalamualaikum, I am Samar Khan presenting my 5th lecture of class 4 from the Oxford Social Studies. Unit number 4, Culture and Society. Lesson number 14, Culture. Page number 100, 102 or Remaining Reading. Homework is Worksheet. Here is your book title page. Page number 100 or Remaining Reading. हमारा ये लेसन थोड़ा सा लेंथी था इसलिए हमारी रीडिंग इतने डेज तक जा रही है ये हमारा लास्ट पार्ट है रीडिंग का ठीक है फिर हमारा ये लेसन भी फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट कोर्स भी आपका डन हो जाएगा ठीक है देन फिर हम वर्कशीट्स पर आएँगे ओके okay, फेस्टिवल्स अब हम कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे हमने बहुत सारी चीज़ें कल्चर के बारे में पढ़ ली हैं हमारा ट्रेडिशंस पढ़ ली हैं हमारे डांस फॉर्म्स हमारे फूड स्पेशलिटीज़ हमने इनकी म्यूज़िक uh, पढ़ लिया था हमने राइटर्स पढ़ लिए पोइट्स पढ़ लिए इसके अलावा हमने गेम्स पर पढ़, अब पढ़ेंगे आज हमारा फेस्टिवल हो जाएगा अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स में क्या है अब फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपल वॉन्ट टू रिमेंबर सम इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन कि फेस्टिवल होता क्या है फेस्टिवल हम क्यों सेलिब्रेट करती हैं क्योंकि हम फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो पिछला हो चुका है जो पास्ट में जो हिस्ट्री बनी हुई थी उसको याद करने के लिए बार बार हम वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं त्योहार मनाते हैं बेसिकली फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्योहार सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट्स अदर्स आर कनेक्टेड विद द रीज़न्स ऑफ यर्स कुछ रिलीजियस हमारे उसकी वजह से कनेक्टेड होते हैं लाइक ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सेलिब्रेट करते हैं ये हमारा रिलीजन फेस्टिवल है ठीक है रिलीजियस से फेस्टिवल है, उस पर आता है इसके अलावा सीजनल जो होता है हमारे पास हम वो सेलिब्रेट करते हैं जो हमारी ईद होती है ठीक है वो भी हमारा रिलीजियस होता है अब जैसे आप यहाँ पर और कौन से होते हैं और भी बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छा जी इसके अलावा हमारे पास वो क्या कह रहे हैं सम फेस्टिवल्स आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स ठीक है कुछ फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स कहलाते हैं एंड ऑन दिस ओकेजंस द होल कंट्री रिमेंबर द स्पेशल इवेंट फ्राम इट्स पास अच्छा वो कह रहे हैं फिर उस दिन जो है वो सारी कंट्री पिछले हुए हुए जो हमारे फेस्टिवल्स हैं जो हिस्ट्री होती है पास्ट की गुजरे हुए की उसकी याद में वो चीज़ मनाती है हमारी पूरी कंट्री सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाई अ स्मॉल ग्रूप ऑफ कम्यूनिटी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो स्मॉल ग्रुप में सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ठीक है हर प्रोविंस का मैंने आपको बताया था अलग कल्चरल फेस्टिवल होता है वो हर प्रोविंस अलग अलग तरीके से मनाता है हर एरिया का अलग होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हो सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द लैंड मतलब पूरी दुनिया मनाती है ठीक है जैसे ये अब ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर होता है कायद अजम हमारा डे होता है इसके अलावा क्रिसमस होता है क्रिश्चियंस का वो भी उनका एक फेस्टिवल ही होता है ना वो पूरा उनके जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं वो सारे सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल उससे बेसिकली बोलते हैं कि जहाँ पर जो भी होता है फेस्टिवल वो वहाँ पर सेलिब्रेट करता है कैन यू रिमेंबर सम ऑफ द फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किया आपको वो कहना है याद है कुछ फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑफ़कोर्स आपको याद होंगे हम फेस्टिवल्स कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं गेम्स पे आ जाते हैं गेमिंग भी आपको पता है आप लोग गेम्स देखते भी हो गेम्स खेलते भी हो आपको क्रिकेट टेनिस, बैडमिंटन वॉलीबॉल इसके अलावा फ़ुटबॉल कबड्डी जो होता है जो आप विलेजेस में मोस्टली जो होता है लेकिन अब तो इंटरनेशनली भी खेला जाता है आ, पाकिस्तान नेशनल इंटरनेशनली लेवल पर भी जाते हैं या नहीं जाते हैं लेकिन कबड्डी जो है वो आ, आपके डोमेस्टिक लेवल पे तो खेला जाता ही है पाकिस्तानीज आर अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन ठीक है पाकिस्तानीज जो है वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स लविंग नेशन होते हैं बहुत उनको पसंद है स्पोर्ट्स खेलना भी और देखना भी मैनी मॉडर्न गेम्स सच एज़ क्रिकेट हॉकी फुटबॉल टेनिस नेट बॉल एंड बास्केट बॉल आर प्लेड हेयर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये तमाम गेम्स जो हैं वो खेली जाती हैं यू प्रोबली प्ले सम ऑफ़ दीज गेम्स एट योर स्कूल वो कह रहे हैं आप अपने स्कूल में भी ये गेम्स खेलते होंगे गालिबा गेम्स दीज गेम्स सम ऑफ़ दीज अच्छा जी वी हैव एन एक्सेलेंट नेशनल क्रिकेट टीम वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द बेस्ट हॉकी टीम्स इन द वर्ल्ड वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्रिकेट टीम है वो बहुत बेहतरीन हमारी पूरी दुनिया की अच्छी टीम है और हॉकी टीम भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खेलने वाली टीम है क्रिकेट तो ऑफकोर्स आप सभी देखते हो और आपको पसंद भी होगा और आप लोग उनके क्रिकेटर्स के नेम और कुछ फेवरेट भी होंगे प्लेयर्स आप लोगों के नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तानीज हैव हाँ वन द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप अ नंबर ऑफ टाइम स्क्वैश जो है वो आपने कभी देखी होगी कि स्क्वैश कैसे खेलते हैं उन्होंने कहा है पाकिस्तान जो है ना स्क्वैश में चैंपियनशिप में बहुत दफ़ा जो है वो फर्स्ट आया है प्राइस है पाकिस्तान के पास जहांगीर ख़ान वुमेन्स क्रिकेट टीम ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे गेम की ठीक है और वुमेन क्रिकेट टीम आपको पता है कि जिस तरह मैन की होती है उस तरह वुमेन क्रिकेट टीम भी होती है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हैं गर्ल्स भी अदर स्पोर्ट्स ट पाकिस्तानीज टेक पार्ट इन आर पोलो गोल्फ माउंटेनरिंग ट्रैकिंग फिशिंग एंड टारगेट शूटिंग ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गेम में आती हैं और इनमें सारे बहुत से लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं एवरी ईयर देर इज़ अ पोलो फेस्टिवल इन शंदर आप इन द माउंटेंस ऑफ गिलगित बल्तिस अच्छा पोलो का फेस्टिवल होता है गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके में इन पाकिस्तान मैनी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल गेम्स आर प्लेड एंड स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी काइट फ्लाइंग एंड बोर्ड दिस वन बोर्ड गेम्स सच एज चेस एंड ड्रॉट्स अच्छा वो कह रहे हैं कि गेम्स जो हैं बहुत सारी पाकिस्तान में और भी खेली जाती हैं जैसे कबड्डी है और ये सारी चीज़ें हैं चेस भी बहुत ज़्यादा फेमस गेम है हमारे पास लुक एट दिस इस तरह की आपने जो गेम है वो अपने गाँव में देखी होगी और उसके बाद इसके बाद क्या है वो कह रहे हैं

बहुत सारी बहुत सारी गेम्स हैं और स्ट्रीट गेम्स भी होती हैं जो गली में लोग खेलते हैं इसके अलावा वो खेलते होंगे आप लोग देखी भी होंगी आपने ये तमाम गेम्स जो हैं ये पाकिस्तान की जो है वो बेटरमेंट के लिए खेली जाती हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए आगे फर्दर के लिए यहाँ पर हमारी रीडिंग एंडिंग एंड हो जाती है ये आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ होमवर्क आपका आ जाएगा राइट ब्रीफली अबाउट द मुस्लिम्स एंड देयर फेथ वी हैव लर्न अबाउट रिलीजन हमने रिलीजन के बारे में एक लेसन पढ़ा था प्रीवियस ठीक है उसके अंदर थे ये सारे हमारे पास और बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिलीव्स क्या हैं और हम हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं हम मुसलमान हैं हमारे पास क्या क्या बिलीव्स हैं और हम किस तरह से अपने काम को करना चाहिए हमें किस तरह से अल्लाह ने कहा गया है करने के लिए द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड मुस्लिम्स हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं तो हम मुस्लिम्स कहलाते हैं दे बिलीव ऑन वन अल्लाह एंड ऑल्सो द लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा है कि हम जो हैं एक अल्लाह के मानने वाले हैं है, और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं उनके भी मानने वाले हैं है। ये हमारा है, आखरत पर ईमान अपने इस्लाम में पढ़ते हो ना आखरत पर आखरत पर ईमान है कि हम लोग जो है वो कुरान पाक को फॉलो करेंगे उसकी टीचिंग्स को उसकी तलीमत को फॉलो करेंगे जो, जो अल्लाह पाक ने कहा है उस पकली ने फरमाया है तो हम जो है एट द डे ऑफ जजमेंट कयामत के रोज़ हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ये तो अल्लाह पाक ने कहा है ना कि जो अच्छे अमाल करेगा तो वो अच्छे रिवॉर्ड का हामिल होगा ठीक है उसको बहुत अच्छा वो मिलेगा रिवॉर्ड तो ये आपके पास आ जाएगा आपका होमवर्क ठीक हो गया थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे